हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। चलिए तो दोस्तों, डेली मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने बारे में। तो आप लोग पूछते हैं कि भाई कंपनी में आवे या हाउस ड्राइवर में। हाउस ड्राइवर का तो मैं बताता ही हूँ। तो चलिए आज एक कंपनी के ड्राइवर से मिलवाते हैं आपको, वही आपको बताएगा कि कंपनी में आना ठीक है या नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत पूछेंगे। चलिए उससे मिलवाते हैं, अगर वो भाई आप लोगों को बताएगा तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि कंपनी में अच्छा है या हो ड्राइवर में अच्छा। ठीक है दोस्त, तो चलिए चलने से पहले जो है हम रूम बंद कर देते हैं दोस्तों। देखिए हमारा रूम है दोस्त, अभी जो है बंद कर देता हूँ। कभी भी आप जाइएगा तो बंद बंद करके रूम को ताला वाला मार करके जाइए दोस्त, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ, कंपनी का ड्राइवर से मिलवाता हूँ आपको, बताएगा थोड़ा बहुत क्या हाल चाल है, नहीं है क्या, नहीं क्या सही है क्या नहीं। ठीक है दोस्त, मिलवाने आया हूँ भाई से, और थोड़ा तो छोटा मोटा बता तो कंपनी में कितना नहीं पूछता है यार। कंपनी का ड्राइवर को पूछो थोड़ा हल्का फल्का जो है। खाना पीना कैसा है कंपनी में, ठीक ठाक मिल रहा है? कंपनी में आना अच्छा है कि नहीं? हाउस ड्राइवर में कंपनी में आना एक बंदों के लिए अच्छा है जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिनको कि अपने मन मुताबिक काम करना उनके लिए सही है, वो आए करें लेकिन सैलरी कटती है उसके लिए। अगर मैं आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, इस घर पे मैं काम कर रहा हूँ, इस घर पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके नहीं जाता 3 महीने का, अगर अपनी मर्जी से चला जाता हूँ, मुझे कंपनी नहीं जमती है, ये घर नहीं जमता है, मैं चला जाता हूँ तो मेरी सैलरी कट होगी। एक दिन हमारी सैलरी के हिसाब से एक दिन की सैलरी रोज काटी जाएगी जितने दिन मैं ऑफिस में बैठूंगा, समझे। उसके बाद क्या है कि हर घर अच्छा तो मिलता नहीं है, कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत। तो ऐसे मतलब अगर आदमी को जिसको अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करना है वो आए आए और करे, सैलरी वही है, आप जान ही रहे हो, बताना है नहीं उसमें बाकी। ऐसा है सिस्टम। हाँ सिस्टम ऐसा ही है भाई, और खाना वाना का अभी जैसे तुम आए खाने हो? का सिस्टम नहीं है वहां पे, खाना जब तक आपको मिलेगा, जब आप वहां पे कैंप में रहोगे, जब तक आपकी आईडी नहीं बन जाती तब तक आपको खाना वगैरह मिलेगा वहां पे। हाँ वहां पे मिलेगा? अच्छा, तो कितना मिल रहा है आपको सैलरी, वो बता दो। सैलरी भाई वही लोग है। कमेंट करता है कि भाई थोड़ा कंपनी के ड्राइवर को पूछो हाल चाल, आऊँ कि नहीं कंपनी में। नहीं भाई कंपनी में आ सकते हो, मर्जी है उनकी भाई, मैंने बता वो तो दिया है, उनको ये तो। सिस्टम है। लेकिन हाँ और सैलरी वही है। जैसे ये बर्तन भाड़ा ये सब कंपनी का कैसा सिस्टम है जैसे? जहां भी जाओगे, जिनके पास जाओगे घर पे काम करने के लिए, वो अपना देंगे बर्तन वर्तन, खाने का 200 रियाल लेते हैं, बाकी सैलरी जो तुम्हारी कंपनी लगाएगी तो वही लगेगी। अच्छा, तो कंपनी में हर ड्राइवर में थोड़ा बहुत सही है, हाँ थोड़ा बहुत सही है, जो मन मर्जी के हिसाब से काम करना चाहता है। उसके लिए कंपनी ठीक है। तो हाँ आपको उसके कितना मिल रहा है? हमारी सैलरी वही है 1600 भाई। 1600 है कंपनी में मिलता है? अच्छा, मतलब कंपनी में तो यार मिला जुला के तो ठीक ही है, 3 महीना इधर, लेकिन यही है कि भागम दौड़ है, 3 महीना इधर करो 4 महीना उधर करो। हाँ घूम घूम के मस्ती से करने वाले आदमी है वो करेंगे। और लाइसेंस कैसा है, बना देता है? लाइसेंस तो भाई मेरा खुद का था, अच्छा, लेकिन नए आदमी के लिए कैसा है, थोड़ा बता नया का दो। भी तो लाइसेंस बनता ही है, आते हैं तो लाइसेंस बनता है उनका, सब कुछ बनता है। तो नए वालों की सैलरी तो, अब उनकी भी तो सैलरी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, सऊदी गवर्नमेंट ने, जो 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 जिसकी जिसकी सैलरी अगर 1400 तो है, जिसकी 1600 उसकी हर बंदे की सैलरी 200 रियाल बढ़ी है। बढ़ता नया नहीं ड्राइवर? बढ़ता नहीं है ये, बढ़ा है अभी, सऊदी गवर्नमेंट ने किया ये। अच्छा, तो नया ड्राइवर को कितना मिलता है फिर भी कंपनी में? नए ड्राइवर को क्या भाई, अब तो 1400 ही मिलेगा, 1400 प्लस 200 उसमें मिलता है 1600। 1400? हाँ हाँ अच्छा, पहले 1000 बोलता था ना, 1000 में नहीं खाना नहीं पीना। वो अच्छा, कंपनी कंपनी के ऊपर है। तो 1400 मिलता है यानी, है हाँ ना? हाँ 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 चलिए, तो लाइसेंस वाइसेंस कंपनी ये बना देता है ना, हाँ एकामा लाइसेंस वकामा कंपनी सब कुछ, बना और 2 साल देता रहना है? है। हाँ अच्छा, 2 साल कैसे भी गुजारना है, और जो घर में भेजा तो 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 महीना रहना है, अगर उससे पहले भाग जाओगे। तो तुम्हारी एक दिन के हिसाब से सैलरी कटेगी, वो अच्छा, जाओ वहां पे बैठो 2-3 दिन में अपना काम फिर दोबारा मिल जाता है, दूसरा वो मिल ही कहीं। जाता हाँ है मिल ही जाता तो है। मान लो 4-5 दिन का पैसा कटेगा, है ना? हाँ 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन बैठोगे उतने दिन का पैसा कटेगा। अच्छा, और ये बर्तन वर्तन फिर अपना खरीदना पड़ता है क्या? नहीं 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 कुछ नहीं, मान लीजिए जैसे हम 3 महीना यहाँ पे आए, तो यहाँ है नहीं, अगर नहीं रहा, अगर दूसरा ड्राइवर के पास, मान लीजिए हम आए हैं, नहीं तो जिसके पास आएंगे वो देगा। वो मैडम देगा? अच्छा, सब कुछ गैस भी सब कुछ वही हाँ देगा? हाँ क्योंकि मेरे पास था ना एक कंपनी वाला, वो मैं जो आया जिस घर में, तो कंपनी का था वो, मंगल का था, तो वो बर्तन वर्तन सब लेके गया, वो बोलता है मेरा है ये, अभी दूसरा घर में जाऊंगा तो
तो मुझे ये बर्तन फिर यूज करना पड़ेगा, वो देगा नहीं, फिर मांगना नहीं, ये वो गलत है, तो फिर वो कंपनी अलग होगी, कंपनी हो सकता है अलग वो। अच्छा तो कैसा देख लीजिए भाई लोग, क्या सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट ड्राइवर में हूँ, तो एक ही घर में 2 साल बिताना है। जैसे ये भाई कंपनी में है, यहाँ का ड्राइवर चला गया कहीं छुट्टी पे, तो 3 महीने के लिए या 6 महीना जब भी आएगा वो ड्राइवर, तब ये भाई दूसरा घर फिर चेंज करेगा, है ना भाई। तो कंपनी में दोस्त आप भी आएंगे तो ऐसा ही सिस्टम है। तो मैं बोला चलिए आप लोग को जो है मिलवाता हूँ, एक भाई आया हुआ है, और मैं पहले भी बताया हूँ कि कंपनी का दोस्त ये सिस्टम है, तो मैं भाई से भी पूछ लिया क्या सिस्टम है, नहीं है कितना सैलरी, खाने का पीने का, ठीक है भाई। तो डरने का जरूरत नहीं, कंपनी में भी आना है तो आइए, कंपनी का तो ऐसे भेजा पड़ा हुआ है, 25,000-30,000 में आदमी आ जाता है, समझ गए, कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है कि नहीं, हॉर्स ड्राइवर में ही ज़्यादा लगता है। कंपनी में ये थोड़ा बहुत सिस्टम है कि लाइसेंस तुरंत बन जाएगा, हॉर्स में कितना बना भी नहीं देता है, कंपनी में तुरंत लाइसेंस बन जाएगा, फिर जब भी आप आओगे तभी खाना पीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एकामा तेकामा बन जाएगा, ठीक है भाई, ये थोड़ा अच्छा है। लेकिन कितना आदमी बोलता है कि यार कंपनी में खाना अच्छा नहीं मिलता है, दाल भात मिलता है, ये सब खाना हिसाब से कैसे लग रहा है कंपनी? खाना कैसा नहीं मिलता है, खाना तो मिलता ही है, अच्छा अच्छा मिलता है, हाँ जैसा खाना रहता है जो खाने के लिए अच्छा, क्या मीडियम खाना रहता है जो रहता है, मिला जुला के मतलब समझ लीजिए। अरे 1 महीना वहाँ पे आपको रहना, जब तक आपकी आईडी नहीं बन जाती, आप मेडिकल पास नहीं कर जाते आने के बाद, यहाँ पे आईडी नहीं बन जाती, लाइसेंस नहीं बन जाता, मेडिकल पास नहीं हो जाता, तब तक तो आपको वहां रहना है कैंप में। उसके बाद जब आपका काम लग जाएगा तो आपको रियाद भेज देंगे, चाहे जहां भी रहोगे उस सिटी में भेज देंगे भाई, काम चाहे दमाम भेज देगा, कहीं भी भेज देगा उसको, कहीं भी जाना ही पड़ेगा। हाँ जो नहीं बोल सकते नहीं जाएंगे, नहीं जाओ अपना करो, नहीं जमे तो फिर चले जाओ, नहीं करेंगे भाई, हमको नहीं जमा हमारा मन। अच्छा तो मेडिकल कैसा सिस्टम है, मेडिकल कंपनी वाले का कैसा होता है, नॉर्मल है कि कैसा? नॉर्मल मेडिकल है, गमका का हमारा मेडिकल उधर हुआ था इंडिया में, यहाँ आने के बाद तो यहाँ तो जो मेडिकल जो होता है वो तो जानते ही हो, वो तो नॉर्मल वाला होता है, मतलब खून पेशाब और यही टॉयलेट वॉयलेट लेता है ना। और एक बात ये बता दीजिए, गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है आपको, कितना साल हो गया? सही है, 5 महीने हो गए कंपनी में, 5 महीने नहीं है अभी, नहीं 2017 में भी आया था, 6 महीने पहले होश में थे क्या? नहीं पहले मिलिट्री बेस में था, असल बात है। अच्छा तो कंपनी में आप आए हैं तो ठीक ठाक, गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है आदमी, बता दीजिए ना थोड़ा, इजी है कि कैसा है, आदमी डरता है ना भाई, मैं नया हूँ गाड़ी। अरे हम तो इन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई अपना इंडिया में जो करना है करो, बढ़िया है, सऊदीया में वैसे भी अब कुछ रहा नहीं, कुछ है नहीं, तो बात खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपने खुद से ही काम करना चाह रहे हैं, सबकी नौकरी लग गई है, जो लोग बैठ के खाते थे वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप अपने घर पे रहिए, काम कीजिए बढ़िया से, जितनी मेहनत हम लोग यहाँ करते थे लगा के आप वहाँ करोगे तो इतना पैसा आप निकाल सकते हो आराम भाई, 1,00,000 रुपया लगा के आओगे यहाँ पे, इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कुछ दुकान उकान कुछ पान का ही डाल देगा तो 100-200 डेली का भाई धंधा होगा। यहाँ पे देखिए हमको भी 27,000 मिलता है, मान ले तेरे को भी मिलता है, बैंक में ही 1,000 रुपया कट जाता है, मान ले बैंक में नेट पे डालते तो 27,000, बैंक में जाते तो 25,000-26,000 होता है, उसके बाद जो कट पिट के खा पी के 20,000 बचता है, 1-20,000 बचते हैं, क्या फायदा है इतना दूर आने के बाद फैमिली घर छोड़ के भाई, इधर तो समझ लो एक प्रॉब्लम ही है घर का, कोई यहाँ पे आदमी नहीं, कोई नहीं, यही सब दो आदमी आपको मिलेगा इंडिया का, कहीं कहीं मिलेगा भी नहीं जो आप बात कर सकते हैं या जो भी है। और पानी पीने का कैसा सिस्टम है, पानी उनी आप खुद खरीदते हैं क्या? पानी खरीदना पड़ता है, पानी खुद कितने महीने में पानी आ जाता होगा इंडिया का, हिसाब बता दीजिए सर पानी पीने का। पानी तो मैं देख लो पीता हूँ बॉटल वाला, 18 रियाल का कट्टा आता है एक, मतलब जिसमें 40-50 पीस 40 पीस होते हैं। तो महीने में कितना खर्चा होता है पानी में खाली, मिनिमम नॉर्मल पिएगा फिर भी? तीन तो अगर वो पिएगा तो 7 रियाल के हिसाब से 21 रुपए 21 रियाल, 700-800 पकड़ो पानी। हाँ और खाने पीने का 300-400 तो पकड़ ही लो, तो इंडिया का तो 10,000 पकड़ लो खाने का, एक बात बता दो 10,000 खाने का पकड़ लो भाई, तो क्या बच जाओगे, आपका इच्छा है भाई, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे कहने से, लोगों की अपनी अपनी मजबूरी होती है, वो अपना हमारे कहने से आइए चाहे भाई के कहने से आइए, यही है कि हम लोग हाउस में रहते हैं भाई कंपनी में, हम बोले चलिए मिला देते हैं, और आप लोगों को कुछ जानकारी अच्छा लगा तो ठीक है, तो और कुछ बताइए जो है भाई, बता दिया मैंने खुल के, जो है खुल के बता दिया भाई, और वीडियो जो अच्छा लगा तो
लाइक और शेयर करें, लाइक और शेयर करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि आने वाला भाई लोग को भी थोड़ा पता लगे कि हाँ भाई कंपनी में अच्छा है। वैसे सऊदीया आना अब सही नहीं, कोई और कंट्री देखो वो सही है। सऊदीया में अब कुछ है नहीं, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं यहाँ पे। जो सैलरी रहेगी वो भी मिलेगी, वो भी सही कपिल रात उदिया नहीं रहेगा तो वो भी नहीं देगा, मजरा वजरा में भेज देगा, तो फायदा नहीं है भाई। आप वहीं रहो करो, या फिर कोई अच्छी कंट्री देखो, अच्छा वीजा देखो जो कि एकदम लीगल हो। ये नहीं कि एजेंट के थ्रू अपना देखे गए कर लिए, ऐसा नहीं, खुद देखिए, खुद कीजिए, तब आइए।